Good morning, my dear students. I hope you are doing well at your home. Here, as you can see on the screen, today's session we are going to learn about adjectives. Adjectives are some words which qualifies a noun or a pronoun, as I have written. This is the definition. Okay, ये definition है adjective की. Now, adjective क्या है? चलो हम देखते हैं. Adjectives are words which qualifies a noun or a pronoun. Adjective noun or pronoun means कि नाम और सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषताएं बताता है, qualify करता है उसको, उसके बारे में कुछ बताता है. ओके, उसका विशेषता बताए. Adjective को हिंदी में बोलते हैं विशेषण. विशेषण means जो कोई भी noun और pronoun के बारे में कुछ ज्यादा या means उसकी विशेषताएं बताता हो उसको बोलते हैं विशेषण. So adjective the same thing we are going to learn about. Okay, in the language you should know the parts of speech, or parts of speech mein adjective is must to learn about. Aapko ye agar aap ye sikhoge aur aap ye learn karoge properly, okay, so your grammatical means your grammar will be too good. Okay, so I hope that you all will pay attention properly. Okay, and then we will begin it. Okay, so let's get started. Now, again, I am telling you the definition, adjectives, okay? Adjectives are words which qualifies a noun or a pronoun. Adjectives, ऐसे कोई words है, जो noun और pronoun के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं या उसकी विशेषताएं बताते हैं. Okay, I will tell you an another definition, which is very easy to remember. Adjectives tell us more about noun or pronoun. Okay, just think that if I will ask a definition of adjectives, okay, so you will write down this also. Okay, okay, adjectives tell us more about noun or pronoun. Okay, ye noun or pronoun ke bare mein kuch zyada batata hai. Okay, तो क्या बताता है और कैसे बताता है, चलो देखते हैं. ओके, पे अटेंशन. ओके, नाउ सी हियर, जैसे कि एग्जांपल्स आई एम राइटिंग ओवर हियर फॉर यू. ओके, एग्जांपल्स आर, आई विल राइट डाउन, गुड, ब्यूटीफुल, ओके, येलो, ओके, फोर. ओके, आई हैव रिटन फोर वर्ड्स here in front of you. On your screen you can see four words. These all four words are called adjective. Now you will think, you may think that how the words can be adjective. To chalo main aapko batata hu. Okay, ye char jo words hai aapke samne, ye charo char adjectives hai. Now I will use it in a sentence. Okay, dekho, good means acha, to good ki jagah pe bad, ganda bhi ho sakta hai. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, उसकी जगह पे अगली भी हो सकता है. येलो, येलो इज अ कलर, वी ऑल नो अबाउट इट अबाउट, तो येलो की जगह अगर ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है. यहां पर लिखा है फोर, ये काउंटिंग है, राइट? सो काउंटिंग में फोर की जगह पर टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, लेकिन वी विल सी इट इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. सो आई विल मेक अ वर्ड, ओके, आई विल मेक अ सेंटेंसेस बाय यूजिंग, सी हियर, Rahul is a good boy. Okay, I have written here a simple sentence. मैंने यहां पर एक simple sentence लिखा है, देखो आप किस, आप स्क्रीन पर देख सकते हो. Rahul, ये क्या हो गया, Rahul proper noun हो गया. Okay, Rahul is a good boy. Rahul लड़का तो है, बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन उनमें से एक Rahul है जो कैसा लड़का है, गुड. ओके, ये अच्छा लड़का है, तो हमारे लिए ये गुड क्या बन गया, एडजेक्टिव. ओके, क्योंकि हम राहुल की मींस विशेषता बताते हैं, राहुल के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं. राहुल इज अ बॉय, राहुल लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है, गुड बॉय मींस अच्छा लड़का है. ओके, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रोहन इज अ बैड बॉय, रोहन लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, बैड लड़का है. ओके,
So, यहां पर हमारा विशेषण कौन सा हो गया? बैड हो गया. हम देखो, हम नाउन के बारे में, ये नाउन है ओके, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, बॉयज कॉमन नाउन. हम नाउन के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं ओके. ये नाउन है, मैं नाउन के बारे में बता रहा हूँ, बॉय के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कैसा बॉय, मैं उसको कैसा बॉय बोल रहा हूँ, बैड बॉय बोल रहा हूँ. राहुल को मैं कैसा बॉय बोल रहा हूँ, गुड बॉय बोल रहा हूँ ओके. सो यहाँ पर हम जो ये नाउन्स और प्रोनाउन्स है उसके बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं. और जब हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं, वो वर्ड्स हमारे लिए क्या हो जाता है? एडजेक्टिव्स. यस ओके. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अनदर वर्ड मीन्स ब्यूटीफुल. ओके आई एम राइटिंग हियर फॉर यू. Okay, see here. This is a beautiful picture. Okay, picture तो है, picture तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कैसा picture है? सुंदर. Okay, ये बहुत सुंदर है, या means सुंदर picture है. So हमारे लिए adjective कौन सा बन गया? Beautiful. Okay, देखो यह पिक्चर है, पिक्चर तो है, लेकिन कैसा पिक्चर है? ब्यूटीफुल. ओके, बहुत सुंदर पिक्चर है. तो फॉर मी एंड फॉर यू एडजेक्टिव्स आर इज ब्यूटीफुल. यहां पर अगली भी हो सकता है, दिस इज अगली पिक्चर. ओके, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, ऐसा भी पिक्चर हो सकता है. लेकिन यहां पर हमने क्या यूज किया है? एडजेक्टिव ब्यूटीफुल यूज किया है. ओके चलो, सेम थिंग आई विल यूज येलो. ओके, स्वाति has yellow car. स्वाति के पास कार तो है ओके, लेकिन स्वाति के पास कैसी कार है? हमने कार के बारे में कुछ ज्यादा बताया. देखो ये है कार ओके, ये हमारा नाउन हो गया, मींस कॉमन नाउन हो गया. तो कॉमन नाउन के बारे में और नाउन के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं. कार तो है, कार तो बहुत सारी होती है. स्वाति के पास, चलो मान लो कि एक नहीं चार कार है, लेकिन वो चार में से एक उसके पास कौन सी कार है? येलो कार है, और हम उसके बारे में ही बता रहे हैं. जैसे कि स्वाति हैज ए येलो कार ओके, तो हमारे लिए एडजेक्टिव हो गया येलो, क्योंकि हम कार के बारे में कुछ ज्यादा बता रहे हैं कि उसके पास कार तो है, लेकिन उसके पास कैसी कार है? येलो कार है ओके. दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ कलर वी कैन से. या ओके, वेट. Now see here, my dear students. Rocky has four balloons. Okay? Rocky के पास balloons तो है, balloons तो सबके पास होते हैं, लेकिन कितने balloons है उसके पास? Four balloons. Okay? So here adjective of number I have written. See, four. मैंने balloons तो है, लेकिन उसके बारे में बताया, मैंने count करके बताया, counting किया है मैंने कि उसके पास balloons तो है, लेकिन कितने balloons है? Four balloons है. तो यहाँ पर भी adjectives of number हमारा क्या हो गया? Four. Okay? इसको बोलते हैं adjective of number. Yes? So my dear students, I hope that you all have got it about. Okay? And I want you to write down some more examples in your notebook. Okay? So when I will check it, I will understand that, okay, my all students have got it about. Okay? Now I will tell you another one thing. Okay? Pay attention properly. Okay? Because you will be used. Okay? In a form when you will make sentences. Now see, you can use these adjectives in a two form. First, attributive use. Okay, दो use होते हैं इसके. एक होता है attributive use. आपके सामने screen पर मैंने लिखा है यहाँ पर attributive use. Now attributive use means what? Attributive use means where an adjective usually comes before noun or pronoun. जैसे कि attributive use. Attributive use means क्या? जहां पर adjective कहां आता है? Noun के पहले. Okay? Pronoun और noun के पहले. जैसे कि I am writing one thing or one sentence for you. Karan is a small boy. देखो यहां पर मैंने लिखा करण इज अ स्मॉल बॉय.
Yes, it is also a noun, it is also a noun. But we are saying something more about this boy. तो boy कैसा है? Small है. या देखो यहाँ पर करंट बॉय तो है लेकिन कैसा है? स्मॉल. अब यहां पर नाउन कहां पे आया देखो, सॉरी एडजेक्टिव कहां पे आया देखो, नाउन के पहले. तो जब नाउन के पहले कोई भी एडजेक्टिव आता है उसको बोलते हैं एट्रिब्यूटिव यूज. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आई एम राइटिंग फॉर यू. सी इज अ वाइज गर्ल. देखो अब यहां पर हमारे पास नाउन कौन सा है? ये रहा. ओके, और हमारे पास यहां पर एडजेक्टिव कौन सा बन गया? वाइस. ओके, लड़की तो है लेकिन कैसी है? होशियार है ना, चतुर है, विकेंड से. हाँ, उसको बहुत नॉलेज है. सी इज ए वाइज गर्ल. ओके, सो हियर फॉर अस एडजेक्टिव कम्स बिफोर. देखो ये है नाउन, उसके पहले आया एडजेक्टिव. यहां पर भी ने नाउन के पहले एडजेक्टिव आया. तो जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है उसको बोलते हैं हम एट्रिब्यूटिव यूज. ओके, एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज इज प्रेडिकेटिव यूज. दैट आई एम राइटिंग फॉर यू, प्रेडिकेटिव यूज. अब यहां पर क्या होता है प्रेडिकेटिव यूज में? सिंपल. ओके, जो एट्रिब्यूटिव यूज है उसका अपोजिट. तो प्रेडिकेटिव यूज में जनरली ऐसा होता है जैसे वेर एंड एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, यहां पर कहां पर आएगा? देखो प्रेडिकेटिव यूज में नाउन और प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है. यहां पर कहां पर नाउन एडजेक्टिव आया? नाउन के पहले. ओके, नाउन ये रहा, बॉय मीन्स नाउन. उसके पहले हमने एडजेक्टिव लिखा. ओके, कि करण लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? छोटा लड़का है, स्मॉल लड़का है. सी इज अ वाइज गर्ल, वो लड़की है लेकिन कैसी लड़की है? होशियार लड़की है, वाइज गर्ल. ओके, गर्ल के पहले हमने एडजेक्टिव लिखा. और यहां पर प्रेडिकेटिव यूज में हम क्या करेंगे? नाउन के बाद में लिखेंगे. ओके, कैसे? चलो मैं आपको बताता हूं. सी इज वेरी ब्यूटिफुल. ओके, यहां पर मैंने लिखा एडजेक्टिव. अब आपको एडजेक्टिव तो पहले से ही समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव इज ब्यूटिफुल. ओके, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, यू कैन सी ओ हियर ऑन योर स्क्रीन दैट आई हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एट लास्ट. इन द एंड वी डोंट हैव एनी प्रोनाउन, इन द एंड वी हैव ओनली एडजेक्टिव. देखो यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ सी. सी मीन्स नाउन. ओके, तो यहां पर लास्ट में एडजेक्टिव आया. एडजेक्टिव के बाद कोई भी प्रोनाउन या नाउन है ही नहीं. सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर नाइस. सिंपल सेंटेंस है, दे आर नाइस, दे आर फाइन. यू कैन राइट डाउन दे आर फाइन. वो है लेकिन कैसे है? अच्छे है, फाइन है. यहां पर भी जो फाइन और नाइस nice है. ओके, ये हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया. एडजेक्टिव कहां पर आ गया? लास्ट में आ गया. ओके, यहां पर मैंने यूज किया है प्रोनाउन दे. मीन्स व्हेन द पर्सन आर नॉट ओनली वन बट इन अ ग्रुप, मीन्स मोर देन वन, वी यूज द प्रोनाउन दे फॉर देम. ओके, सो हियर एडजेक्टिव कहां पे आता है? लास्ट में आता है, नाइस, फाइन. अनदर वन आई एम गिविंग यू, यू आर क्लेवर. ओके, इट्स वेरी इजी. सी आई हैव यूज द एडजेक्टिव एट लास्ट. यहां पर एडजेक्टिव कहां पर आया? लास्ट में आया, मीन्स नाउन के बाद आया. ओके, मैं किसी को बोल रहा हूं कि आप क्लेवर हो, आप होशियार हो. ओके, यू आर क्लेवर. वो है, वो एक लड़का है, कोई भी है, लेकिन वो कैसा है? क्लेवर है. तो यहां पर एडजेक्टिव का फॉर्म कहां पर आता है? लास्ट में आता है. ओके, जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं, सी आई एम पॉइंटिंग. ओके, सो दिस इज यूज ऑफ प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव. जब आप एडजेक्टिव का यूज करते हो, एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता था? एट्रीब्यूटिव यूज मीन्स वेर एन एडजेक्टिव यूजली कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन के प्रोनाउन के पहले आता था, राइट? नाउन और प्रोनाउन के क्या आता था? पहले आता था एडजेक्टिव. लेकिन यहां पर प्रेडिकेटिव यूज में क्या हो गया? ये लास्ट में आता है, नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है. तो ये आपको पता होना चाहिए.
कि एडजेक्टिव के दो तरह के यूज होते हैं. ओके, फर्स्ट यूज इज अबाउट एट्रिब्यूटिव यूज एंड सेकेंड यूज इज अबाउट प्रेडिकेटिव यूज. ओके, सो आई होप माई ऑल डियर स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव गॉट इट प्रॉपरली. ओके, दैट फॉर वॉट एन एडजेक्टिव स्टैंड्स फॉर. एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न इट अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज. ओके, सिल दैट, बाय बाय एंड टेक केयर.